फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है घरेलू विद्युत उपकरण में, इसमें हमने आपको बताने जा रहा हूँ आज हेयर ड्रायर के बारे में। कल आपको बताया था इमर्सन रॉड के बारे में, आज हेयर ड्रायर। देखिए, हेयर ड्रायर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये अपने यहाँ हेयर ड्रायर है। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से इसमें कुछ पार्ट है, मैं इसको पहले बता दूँगा आपको। ये तो आप पहचानते ही हो, यानी आपका ये प्लग टॉप, और इसके बाद ये आपका हो गया वायर, ये आपका, फिर ये हैंडल, हैंडल के पास में ही आपका लगा होता है स्विच ऑफ है ये आपकी, और इसकी वाटेज जो है 1200 वाट है। यानी अलग अलग वाटेज में आते हैं, 1000, 1200, 1500, 2000 वाट में अलग अलग वाटेज में हेयर ड्रायर आता है। और इसमें आपका ये ब्लोअर पॉइंट है, ये आपका यहाँ से हवा बाहर से सक्शनिंग करता है, खींचता है। और इसमें अंदर जो एलिमेंट लगे हुए हैं हीटिंग के लिए, आपका नाइट्रोम का, फिर मोटर लगा होता है, फिर यहाँ से आपका बाल सूखने के लिए हवा, एक हीट यानी गर्म हवा आपको देता है। तो इसे हम ठंडियों के मौसम में अक्सर हम उपयोग में लाया जाता है इसमें, कि बाल सुखाने के, जल्दी आपका जो है बाल सूख जाए। हेयर ड्रायर आप नाम से ही परिचित हो गए, यानी कि बाल को सुखाने का ऐसा उपकरण ये बनाया गया है। अब मैं आपको फिगर के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए एक फिगर ऐसे ही है, कुछ इसी तरीके से हमने बनाने का प्रयास भी किया है। जैसे इसमें देखें आप कि यहाँ पर, ये छोटी सी बात करें, यहाँ पर जो पार्ट लगा हुआ है अंदर, यहाँ पर फैन लगा हो प्लास्टिक का होता है, तो ये फैन हमने बना दिया। फिर आपका इंसुलेटेड केस, यानी कि बाहर का जो आपका कुचालक आपका है वो इंसुलेटेड केस, यानी किसी प्रकार का वैद्युतिक झटका आपको ना लगे, इस नाते क्या करते हैं इंसुलेटेड केस लगा देते हैं। फिर ये आपका हो गया हैंडल, और हैंडल के पास ही यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा भी होता है। उसका काम क्या होता है कि आपका जो मेंटेन करे इसमें, कि पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए इसमें आपका वैद्युतिक क्रियाएं होते रहें आसानी से, तो ये कैपेसिटर लगाया जाता है। फिर यहाँ पर एक मोटर लगाया जाता है, मोटर जो होता है वो 50 वाट का, 230 वोल्ट और यूनिवर्सल मोटर उपयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा था, यही इंपॉर्टेंट भी है कि हेयर ड्रायर में उपयोग होने वाला मोटर कौन सा है। तो हेयर ड्रायर में उपयोग होने वाला जो मोटर होता है वो 50 वाट का 230 वोल्ट और यूनिवर्सल मोटर उपयोग होता है। फिर यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है हीट करने के लिए, और यहीं से आपका क्या होता है कि पीछे यहाँ पर पार्ट में भी हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके भाग में यहाँ पर आपका फैन लगा होता है, और यही क्या करता है कि बाहर से हवा को सक्शन करता है। यानी यहाँ पर आपका क्या है कि बाहरी वातावरण का जो है एटमॉस्फेयर है उसको सक्शन करे, खींचे, और यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट है इसके पास में ही लगा होता है, वो क्या करता है कि यहाँ से आपका हीट हो रहा है, हवा आपका हीट हो रहा है चारों तरफ, ये इसमें हीटिंग एलिमेंट है। आप देख रहे होंगे, शायद कुछ आपको दिखाई पड़े, हो सकता ना दिखाई पड़े, लेकिन इसमें हीटिंग एलिमेंट है। और हीटिंग एलिमेंट जब आपका हीट होता है यानी गर्म होता है, तो ये क्या करता है, फैन जो कि बाहर का वातावरण है जो आपका ठंडा रहता है उसको उधर से एलिमेंट की तरफ से गुजारने का प्रयास करता है, तो आपका एलिमेंट ठंडा हो जाता है। लेकिन उससे बाहर गुजरने वाली जो आपकी हवा है वो क्या हो जाती है, वो आपका गर्म निकलता है। तो आपका गर्म जब निकलेगा तो क्या होगा कि जो आपका बाल है जिसे आप सुखाना चाह रहे थे, वो आपका उसकी वजह से, उसके ताप की वजह से, उसकी हीटिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। कुछ बातें इसमें और इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी मशीन को देखने के लिए, कि जैसे इसमें गर्म नहीं हो रहा है, तो कॉमन सेंस है, गर्म नहीं हो रहा है इसका मतलब सब कुछ कार्य कर रहा है लेकिन गर्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका हीटिंग जो एलिमेंट लगा हुआ है वो खराब हो गया है। फिर आपका मोटर चल नहीं रहा है, मान लीजिए किसी कारणवश तो मोटर नहीं चला, तो इसका कारण हो सकता है आपकी मोटर खराब हो सकती है, या आपका जो सप्लाई है मोटर तक पहुंचने के लिए वहां पर कहीं ना कहीं आपका वहां तक लाइट पहुंच नहीं रही, आपकी विद्युत पहुंच नहीं रही है, इस नाते क्या हो रहा है कि ये आपका मोटर चल नहीं रहा है। तीसरा, मोटर नहीं है यानी मोटर किसी तरीके से आपका समस्याग्रस्त है इसमें, इसमें वही बात है, मोटर या हीटिंग एलिमेंट यानी हीट नहीं हो रहा हो गया, तो इसमें भी आपकी सप्लाई की वजह हो सकती है। यही मेन दो पॉइंट होते हैं कि आपका फैन नहीं चल रहा है, यदि आपका हो गया फैन नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा तो वहां भी आपकी सप्लाई की सिस्टम होगी, या फैन तक जो आपका फैन खराब हो सकता है। ये कुछ सिस्टम होते हैं, उसको पहले जांच करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हमारी सप्लाई नहीं पहुंच रही तो अपने स्विच और सॉकेट को देखें, फिर आप जो है मोटर को चेक कर लें, आपके ये केबल, ये आपका वायर जांच कर लें, इसको जांच करने के बाद फिर आप मोटर की तरफ पहुंचे कि हमारी सप्लाई पूरी तरीके से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो ये तो था आपका
हेयर ड्रायर यानी विद्युत वैद्युतिक उपकरण जो आपके घरेलू हैं उनको बारे में बता रहा था। ठीक है, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप जरूर पूछिएगा। यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें बेसिकली दो तीन क्वेश्चन जो होते हैं वो मोटर से रिलेटेड होता है, कौन सा मोटर उपयोग किया था मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, धन्यवाद।